और देखिए दोस्तों, आर्किटेक्चर देखिए कितना खूबसूरत है यार। आर्किटेक्चर और कलर्स इन्होंने बड़े अच्छे से फिल किए हैं इसमें, और काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। देखिए काफी हिसाब है, वही एस आर का खूब क्रेज है यहाँ पे। लिनोवो का शोरूम है, वही है लिनोवो के लैपटॉप मिलेंगे यहाँ पे। लिनोवो ये सैमसंग का आउटलेट और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फोल्ड 2263 की EMI के साथ। और अगर आप रात पाएंगे तो ढेर लड़कियाँ मिलेंगी आपको, और आप यहाँ से रात को निकलेंगे तो लड़कियों का झुंड खड़ा रहता है यहाँ पे। वही सब वो टेम्पलेट लेके झंडा दिख गया भाई। ये आपको उन्हें चारों तरफ से दिखा दिया मुनस की। तो देखा दोस्तों आपने, दिन में कुछ इस तरह से सन्नाटा दिखेगा वॉकिंग स्ट्रीट पे, दिन और रात में बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। जैसे फुकेट के बांग्ला स्ट्रीट में मार्केट हो जाता है, ऐसे यहाँ भी मार्केट हो जाता है। और देखिए कैसा सन्नाटा हो रहा है वॉकिंग स्ट्रीट पे। अभी पूरा कमर्शियल जोन बना हुआ है, देखिए बंद है भाई, सारे बार सारे डिस्को सब कुछ बंद है। तो भाई यहाँ पूरा प्रोग्राम रात को 7-8 बजे के बाद ही शुरू होता है भाई। अच्छा हल्ला उल्ला हो जाता है, आपने देखा ही होगा नाइट वाले ब्लॉग में। और अभी देखिए ऐसे बार बार ऐसे सन्नाटे में पड़े हैं। ये देखिए कोई क्राउड ही नहीं है अभी। ये देखिए बंद है, ये देखिए सारे बार अभी बिल्कुल शांत वातावरण में है, जैसा हल्ला गुल्ला रहता है शाम के टाइम। और अभी देखिए आप सारे सन्नाटे, ये भी क्लब से भैया, ये भी देखिए सब बंद है। सुबह 4 बजे तक बिल्कुल लाउड म्यूजिक चलता है, मेरे रूम में ऐसी कैसी आवाज आती है क्योंकि बिल्कुल अपना बालकनी है और बिल्कुल वॉकिंग स्ट्रीट फेसिंग रूम है, तो अच्छा तेज लाउड आप सो नहीं सकते 3 बजे तक। और वैसे यहाँ पर कोई सोता भी नहीं 3 बजे तक, मैं खुद सुबह 4-5 बजे तक रूम पे आता हूँ, लेकिन काफी हल्ला गुल्ला रहता है। और ये देखिए सारे बार देखिए, आपको लग रही है वॉकिंग स्ट्रीट है, कहीं से भी नहीं लग रही है वॉकिंग स्ट्रीट है। सारी शॉप अधिकतर बंद है, देखिए गलियों में सन्नाटे। दिन में भाई पूरा कमर्शलाइज हो जाता है, और शाम को कोई अलग तरह का कमर्शलाइज हो जाता है। आप आ सकते हो भाई, दिन में भी थोड़ी तफरी कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। इससे अच्छा माहौल आपको दूसरे जगह मिलेगा, पटाया की दूसरी स्ट्रीट पर जाओगे ना, जब मैंने आपको बताई थी अभी दिन के टाइम। रात में तो भाई यहाँ का माहौल अल्टीमेट रहता है, उसकी तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। और देखिए 7-Eleven पर रात को लाइन लगी रहती, कस्टमर ही खाली पड़ा। देखिए ये है 7-Eleven, और ये देखिए सारे बार सभी बंद है हाल फिलहाल। और अगर आप रात को आएंगे तो ढेर लड़कियां मिलेंगी आपको, और आप यहाँ से रात को निकलेंगे तो लड़कियों का झुंड खड़ा रहता है यहाँ पे। वही सब वो पेम्पलेट लेके हैप्पी आवर और सारे रेट लिस्ट लेके खड़ी रहती हैं लड़कियां, ढेर सारी देखा होगा आपने। तो इस तरह का मामला है भाई दिन में। आपको आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये मॉनेस्ट्री है, तो आपको एक इसको कहते हैं रॉयल मॉनेस्ट्री ऑफ पटाया। तो आपको इस मॉनेस्ट्री का आज मैं आपको एक पूरा टूर देता हूँ, काफी अच्छी मॉनेस्ट्री है, आप जब कभी आए तो यहाँ जरूर विजिट करें। ये हार्डली वॉकिंग स्ट्रीट से 300 मीटर दूर है, आप पटाया बीच से जब वॉकिंग स्ट्रीट पर एंटर करेंगे ना, वहाँ से लेफ्ट टर्न मारिए, वहाँ से हार्डली 200-250 मीटर दूर पर, मैक्सिमम 300 मीटर, इससे ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए इसकी विजिट कराते हैं। और अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं इसका। और ये देखिए ऐसे रिक्लाइनिंग बुद्धा वगैरह यहाँ पे खूब सारे बने हैं, ये देखिए। और इसके आगे का नाम काफी डिफिकल्ट है, तो मैं नीचे लिख दूंगा, आप पढ़ सकते हैं उसको। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ भाई, इसके अंदर एक छोटा सा कैफे भी है, आप यहाँ पे भी अपनी कॉफी वगैरह सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। कैफे भी है यहाँ, बहुत खूबसूरत कैफे बना रखा है भाई। और ये देखिए मॉनेस्ट्री सामने से कितनी खूबसूरत दिख रही है भाई। और देखिए इसके आसपास का आर्किटेक्चर देखिए कितना शानदार है। और ये भाई यहाँ से अंदर पूजा वूजा की जो सामग्री है वो यहाँ मिल जाएगी आपको, यहाँ से लेके आप अंदर जा सकते हैं। इसमें बड़े बड़े बुद्धा के स्टेचू हैं, ये देखिए ये है मेन मॉनेस्ट्री का एंट्रेंस, ये यहाँ से आप जा सकते हैं मेन मॉनेस्ट्री में। और ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। अंदर से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ शूज यहाँ उतारने पड़ेंगे, लेकिन अंदर तीन ही मूर्ति है मेरे हिसाब। देखिए दोस्तों आर्किटेक्चर देखिए कितना खूबसूरत है यार आर्किटेक्चर, और कलर इन्होंने बड़े अच्छे से फिल किया है इसमें, और काफी खूबसूरत दिख रही है देखिए। और इसी के सामने पूरी मनी छोटी सी मॉनेस्ट्री, देखिए भाई कितना शानदार कलर का कॉम्बिनेशन मिला रखा है देखिए आप। अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ अंदर से भाई मॉनेस्ट्री कैसी है। ये देखिए ये चढ़ रहे हैं ऊपर, मेन मॉनेस्ट्री यही वाली भाई, इसके आसपास छोटी छोटी काफी सारी है देखिए। और ये इस तरह का व्यू आपको मिलेगा जैसे आप अंदर आएंगे। ये आ चुके हैं अंदर, और जैसे आप अंदर आओगे तो इस तरह का आपको
ये सब मिल जाएगी भाई सामग्री। तो भाई अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है आप, लेकिन यहाँ बाहर फोटोग्राफी कर सकते हैं। और ये सामने भी एक मोनेस्ट्री है देखिए, तो अभी आपको पास चल के उसको भी दिखाता हूँ। जब आप बीच रोड की तरफ से वॉकिंग स्ट्रीट पर एंट्री कर लेंगे ना, तो आप लेफ्ट टर्न मारिए, जब बीच रोड है लेफ्ट टर्न मारिए, वो थोड़ा सा हार्डली आप 200 मीटर चलेंगे और आपको लेफ्ट हैंड पे मोनेस्ट्री आ जाएगी। तो आप जरूर विजिट करें, काफी खूबसूरत है भाई। फैमिली के साथ रहे तो फैमिली को भी काफी मजा आएगा भाई, अच्छी मोनेस्ट्री है, आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर अकेले में तो विजिट जरूर करें। घंटी वगैरह काफी कुछ टांग रखी है, तो आप इसको भी घंटी उंटी वाला एरिया बजा सकते हैं। ये देखिए, और ये है इसका भाई एंट्री गेट, मेन एंट्री गेट। देखिए मोहतरमा पूजा कर रही हैं, ये आपको काफी सारी घंटियां दिखेंगी। ये देखिए काफी छोटी छोटी मोनेस्ट्री काफी सारी बनी हुई है, कम से कम 5-7 बनी हुई है, बनवाए बना आपको सारी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ जरूर आ सकते हैं, आप जरूर आए भाई, आ सकते हैं आप जरूर आए यहाँ पे। और ये जो मोनेस्ट्री देख रहे हैं ना भाई, ये तो अल्टीमेट बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। और यहाँ भी अंदर फोटोग्राफी अलाउ है कि नहीं सामने वाली में, तो चल के देखते हैं भाई। शूज ऐसा कुछ लिखा तो नहीं उतारना है, लेकिन पता कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते अंदर दिखाता हूँ आपको। चारों तरफ से भाई इसके डिजाइन अलग अलग है, तो देखिए आप, ये देखिए ये है फ्रंट और ये देखिए साइड से तरह से इसको बना रखी है। आपको घंटों की आवाज सुन पा रहे होंगे आप। चारों तरफ से इसके गेट्स हैं, आप किधर से भी एंट्री ले सकते हैं। सेकंड नंबर गेट और एक गेट और यहाँ सामने 3 नंबर गेट, यहाँ से आप अंदर चलते हैं अपन, शूज उतारते हैं यहाँ पे। और ये देखिए आ गए अंदर इस तरह की मोनेस्ट्री, और आपको इसे छोटे छोटे इंक्रूमेंट या कुछ मूर्ति इस टाइप की यहाँ दिखेंगी। ये देखिए, और भाई ये टाइल्स दिख रही ना, बहुत गर्म हो रही है भाई, सॉक्स में भी छेड़ रहे हैं पैर। ये कुछ बना रखा है भाई, क्या है मालूम नहीं अपने को। ये देखिए और सामने मोनेस्ट्री भी काफी अच्छी दिख रही है भाई। तो दोस्तों हम अपनी इस मोनेस्ट्री के दूसरी साइड आ चुके हैं, और इस साइड से यह है गेट नंबर 4। ये देखिए यह है गेट नंबर 4, तो कुछ इसका ऐसा आर्किटेक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए भाई, अच्छे से विजिट करिए, आधे घंटे में आप पूरा विजिट कर लेंगे इसको। देखते हैं और क्या क्या है यहाँ आसपास। मेन एंट्रेंस याला है, ये है भाई फ्रंट इस मोनेस्ट्री का। तो दोस्तों ये है मेरे सामने, ये स्कूल है भाई, और काफी अच्छा बना हुआ, खूबसूरत डिजाइनदार स्कूल। और ये है प्रेयर रूम स्कूल का, और ये सामने है स्कूल। ये देखिए, और देखिए सब, जैसे अपने स्कूल के बाहर ठेले वगैरह नहीं खड़े थे, ऐसे यहाँ भी खड़े हैं। तो ये इस तरह का स्कूल के आसपास का नजारा है। देखिए एक स्टेचू वहाँ बना, भी पास ले जाके आपको दिखाता हूँ। और ये बिल्कुल ये स्कूल है, इस मोनेस्ट्री है बिल्कुल सामने, ये है मोनेस्ट्री और ये है स्कूल का, ये है स्कूल का प्रेयर रूम। तो भाई एक मोनेस्ट्री के बाहर और आ चुके हैं, और ये मोनेस्ट्री भी काफी अच्छी बनी है, चारों तरफ आर्टिफिशियल लेक बनी है और बीच में इसको बनाया गया, काफी खूबसूरत है। और लोटस के फ्लावर काफी है इसके आसपास। और ये एक आर्टिफिशियल बना रखी है लेक टाइप, पानी खराब हो रहा है काफी। और ये इस तरह की मोनेस्ट्री दिखेगी आप। अभी आपको अंदर ले जाके भी दिखाता हूँ भाई, और एक बहुत शानदार स्टेचू बना रखा है मेरे राइट हैंड पे, आप देख रहे हैं वो। तो अभी हम पास चल के भी देखते हैं, और वो जो मोनेस्ट्री मैंने विजिट करी वो सामने दिख रही है सारी। शायद यहाँ अंदर तो सब मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, अपन भी ट्राई करेंगे, बन गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात ही नहीं। देखिए लाइन बुद्धा का टेम्पल है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ फोटो में जैसा मेंशन किया गया है। और देखिए इसके अंदर काफी सारी फिश है, लोग फीडिंग कर रहे हैं फिश को, देख पा रहे हैं आप अच्छे से। ये देखिए, और ये यहाँ कुछ प्रसाद वगैरह रखा है, ये लिखा है यहाँ पे देखिए। बताइए आप कमेंट्स करके, मोनेस्ट्री आपको पीछे देखिए बैकग्राउंड में कितना शानदार दिख रहा है व्यू। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको भाई ये मोनेस्ट्रीज कैसी लगी। तो आप यहाँ मस्ट विजिट प्लेस है भाई, आप जरूर विजिट करें। टुक कॉम ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है भाई, और यहाँ सारा आईटी संबंधित आपको लैपटॉप वगैरह ये वो सारी चीजें मिलेंगी। और इसका पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये भाई इसका एंट्री गेट, ये देखिए ये है, और पूरा एयर कंडीशन है भाई, गर्मी से थोड़ी राहत तो मिलेगी। और आप जैसे ही अंदर आएंगे ना, तो आपको ये सारे कौन से फ्लोर पे किस किस के शोरूम है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए गैलेक्सी MI सैमसंग फर्स्ट फ्लोर पे, और DJI का तो यहाँ कोई लिखा नहीं है, शोरूम यहाँ मिल जाएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं भाई, मोबाइल वगैरह का मार्केट है, तो कैसे मोबाइल वगैरह मिलते हैं चल के देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही पहुंचेंगे ना भाई, तो यहाँ सिर्फ मोबाइल और एसेसरीज का ही मार्केट है पूरा। ये देखिए, तो पहले ही काउंटर आपको MI का मिलेगा यहाँ पे, ये MI, और उसके ही पास में सैमसंग का शोरूम। ये देखिए सैमसंग के काफी सारे फोन है, ये देखिए भाई काफी सस्ते हैं फोन। और ये देखिए सेल चल रही है भाई, 14,000, मतलब 40,000 का फोन पड़ेगा ये फोन, शानदार है भाई, 17,000 वीवो V29। और ये आईफोन का है भाई, आपको यहाँ यूज सारे यूज्ड फोन मिलेंगे, सब यूज्ड हैं। देखिए आप, ये यूज्ड आईफोन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, दिख रहे हैं सारे यूज्ड आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी सारे फोन है यहाँ पे। देखिए ये शॉप है, आईफोन के नाम से शॉप है भाई, आपको आईफोन में भी काफी वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन यूज्ड आईफोन आपको सब मैकबुक प्रो ये वगैरह सारी मिल जाएगी। एसेसरीज का खूब अच्छा सीन है यहाँ पे, ये देखिए। और ये आपको यहाँ मोबाइल गिम्बल मिल जाएंगे, देखिए ये मोबाइल गिम्बल है, और ओलांजी के केस भी मिल जाएंगे आपको, ये देखिए ये।
ये एडिशनल लेंस आपका कैमरे पे लगाने के लिए, मोबाइल के कैमरे पे, और मोनोपॉड वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। छोटी छोटी शॉप पे काफी सारी है, वो सारी उलानजी वगैरह की, जो टेलीस्टेन एक और जो एसेसरीज की कंपनी है, सब तरह की गोप्रो के लिए सारी तरह की एसेसरीज भी अवेलेबल है और आप ले सकते हैं। अपने पास तो है वोल्टा भाई, और अभी अपन पता करते हैं भाई वो टेलीस्टेन की अगर बैटरी ग्रिप मिल जाएगी ना तो वो ले लेंगे भाई। वो एक्सटेंडेबल है, वो बड़ी भी हो जाती 3 फीट तक, अगर वो होगी तो उसको अपन ले लेते हैं। तो भाई टेलीस्टेन का इनके पास बैटरी ग्रिप नहीं है, क्योंकि वो टेलीस्टेन की बैटरी ग्रिप काफी अच्छी आती है भाई। और भाई यूज लैपटॉप वगैरह बहुत है यहाँ पे, देखिए ये सब यूज है भाई। मोबाइल के है ना बॉडी खूब मिलेगी आपको, आप जैसी चाहे वैसी बॉडी लगवा सकते हैं उस पर। ये देखिए ये ओरिजिनल बॉडी है भाई, 3,990 रुपये की। ये देखिए ये सैमसंग का आउटलेट, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फोल्ड 5 2263 की EMI के साथ, S23 59,000 9,800 GB 25 GB का। तो भाई हमारे वहाँ कितने का Realme 11 Pro पता करते हैं, फिर यहाँ कंसिडर करते हैं। यहाँ 14,000 baht में मिल रहा है, उतने का अपने इंडिया के पहले प्राइस चेकआउट करते हैं। और ये देखिए सब यूज फोन, ये देखिए यूज आपको 2,000 baht में मिल जाएंगे भाई। ये सब यूज्ड फोन है, देखिए ये देखिए सब यूज्ड है। ये सामने देखिए आउटलेट मेनी फोन्स, आपको सारे फोन्स मिलेंगे यहाँ, और आपको स्टूडियो लाइट वगैरह भी यहाँ सारी चीजें मिल जाएंगी अगर आप लेना चाहें स्टूडियो लाइट वगैरह, तो सारी चीजें हैं। देखिए मुदरमा देख रही हैं, ये देखिए स्टूडियो लाइट्स, और ये देखिए कार में फोन अच्छे से इंस्टॉल हो सकता है। ये देखिए सब यूज्ड है, ये देखिए ये स्टूडियो लाइट देख पा रहे हैं आप सामने, और ये चाइना की स्मार्ट वॉचेस हैं। ये स्मार्ट वॉच है यहाँ पे, लेकिन बैंकॉक में जरूर देखेंगे अपने एक बार। 5G ट्रू यही सिम अपने पास है भाई डिटेक्ट की। अब आ चुके हैं 4th फ्लोर पे, और सेम अपना इंदौर का सिल्वर मॉल तरीका है भाई, सारी एसेसरीज और सारी चीजें सेम उसी टाइप का मार्केट है। ये देखिए ये आपको यहाँ कार्ट्रिज वगैरह प्रिंटर वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, ऐसी छोटी छोटी शॉप है सारी एसेसरीज की, अच्छा घूमने के लिए 1-2 घंटे बिताने के लिए, और अगर आपको कुछ लेने की जरूरत है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए और ये लैपटॉप की शॉप है भाई, एसआर का खूब क्रेज है यहाँ पे भाई, एसआर के खूब लैपटॉप है। ये है डेल का शोरूम है, लिनोवो का शोरूम है भाई, ये लिनोवो के लैपटॉप मिलेंगे आपको यहाँ, लिनोवो ये देखिए 23,000। और ये एसआर फिर आ गया, एसआर ये सारे एसआर, आसूस, मतलब इनके पास सभी कंपनियों के हैं भाई, सभी कंपनियों के हैं, तो आपको सभी कंपनी के मिल जाएंगे जोन सा भी आप लेना चाहें। अगर आपको यहाँ से लेना है बस वो गारंटी का इशू आएगा भाई, इंडिया में गारंटी क्लेम होगी नहीं। तो भाई आ चुके हैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, चीज अपने को चाहिए थे वो तो कुछ मिला नहीं, और ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर भाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप है, आपको ड्रेसेस वगैरह सूटकेस ब्रीफकेस टी शर्ट शर्ट वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगे, बैग्स वगैरह टू बैग्स इस तरह की शॉप है, और अंदर आपको करेंसी एक्सचेंज मिल जाएगा, ये इस तरह की शॉप है, और सामने वेस्टर्न यूनियन करेंसी एक्सचेंज है, एक UTG शोरूम है, यहाँ सैमसंग का सामान भी है। Reno 10 सीरीज, और यहाँ आपको काफी सारे ATM वगैरह भी मिल जाएंगे, देखिए लाइन से ATM से कैश निकालो और परचेसिंग करो। ये लेडीज वेयर शॉप है भाई, पूरी लेडीज वेयर है, ये देखिए, और ये गोल्ड शॉप, देखिए वॉच शॉप है भाई, ये देखिए सारी वॉचेस मिल जाएंगी आपको यहाँ, Casio की वॉचेस, पूरा भाई लेडीज सेक्शन है, जेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है, अंडर गार्डमेंट भी लेडीज शॉप ही है। ये देखिए ये सेक्शन में ATM काफी, 6-7 ATM तो उधर से, ये देखिए एक ATM और आ गया यहाँ पे, ये एक 2 ATM यहाँ भी लगे हैं। ये देखो दोस्तों बाहर आ चुके हैं, मेन काम से हम आए थे DJI के लिए, वो शोरूम यहाँ बंद हो चुका है, बंद पड़ा तो अपना वो काम तो हुआ नहीं। तो यहाँ आपको मोबाइल वगैरह कुछ एसेसरीज चाहिए तो एसेसरीज काफी चीप रेट में अवेलेबल है, और GoPro की सारी एसेसरीज और वीडियो बनाने के लिए आपको जो मोबाइल से आप बनाते हो गिम्बल वगैरह, मोबाइल के गिम्बल और मोबाइल स्टैंड वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी, और ये काफी सस्ते है भाई। आपको वायरलेस रिमोट स्टिक मैंने यहाँ पूछी 399 baht की भाई, और 3 फीट तक एक्सटेंडेबल है, तो ये चीज़ आपको काफी सस्ती मिल जाएगी, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो भाई इस वीडियो को यहीं करते हैं खत्म, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।